काशी को कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को इस कॉरिडोर की सौगात कल यानी सोमवार के दिन देंगे। और उद्घाटन से पहले काशी का ये अलौकिक रूप आज देश और दुनिया देख रहा है। काशी को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद होने के नाते और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कल इस अपने बहुप्रतीक्षित परियोजना का लोकार्पण करेंगे और देश और दुनिया को ये सौगात देंगे। और इन तस्वीरों के जरिए आप काशी की छटा को देख सकते हैं। देश और दुनिया के लोग इस वक्त काशी पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कल 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है। काशी में विशेष कार्यक्रम में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन होगा। ये काशी की आध्यात्मिक जीवंतता को जोड़ेगा। मैं आप सभी से कल के कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह करूंगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है कल के इस कार्यक्रम को लेकर। श्री काशी विश्वनाथो विजयतरम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी के पुरातन गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। तो काशी दुल्हन की तरह सजी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित योजना जिसका कल प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। सबसे पहला प्रण यही किया। काशी कॉरिडोर के बन जाने से सी गंगा से काशी विश्वनाथ का मंदिर सीधे जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने आज से मुफ्त डबल राष्ट्रांतरण महाअभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा जबकि 80,000 राशन की दुकानों से इसका वितरण हो रहा है। यह अब तक की सबसे बड़ी अन्न वितरण योजना है। इस अभियान की निगरानी अधिकारियों के साथ ही सांसद और विधायक भी करेंगे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत की। सरकार के इस अभियान के तहत मार्च 2022 तक 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के तौर पर दोगुना मुफ्त राशन मिलेगा। देश में अब तक यह सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को राशन के साथ दाल, खाद्यान्न, तेल और नमक भी वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हर गरीब को खाद्यान्न वितरण का एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। देश के 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रतिमाह और उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। गौरतलब है कि कोरोना काल से ही केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार लगातार मुफ्त राशन वितरण कर रही है जो अगले साल मार्च तक चलेगा। वहीं इस माह से सरकार दोगुना राशन दे रही है। प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो 80,000 राशन की दुकानों पर वितरित होगा। पात्र लाभार्थी को एक यूनिट पर हर माह 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा जबकि पहले एक यूनिट पर 5 किलो राशन मिलता था। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाला 35 किलो राशन भी अब दोगुना होकर 70 किलो मिलेगा। आपको बता दें अंत्योदय अन्न योजना के तहत लगभग 1,30,07,969 लोग पात्र हैं, जबकि 13,40,77,983 लोग घरेलू कार्ड धारक पात्र हैं। जाहिर है इस योजना से कोरोना काल में जूझ रहे आर्थिक तंगी से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से कमल खिलाने की तैयारी के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जहां लगातार यूपी के दौरे पर हैं, वहीं पार्टी ने जन विश्वास यात्रा निकालने का फैसला किया है
जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर से होगी। देखते हैं क्या है जन विश्वास यात्रा का पूरा कार्यक्रम। यूपी का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में लग गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी जनता का विश्वास जीतने के लिए जन विश्वास यात्रा निकालेगी। इस यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 दिसंबर को अंबेडकर नगर से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। बीजेपी प्रदेश में 6 जन विश्वास यात्राओं से जनसंवाद करेगी, जिनमें बिजनौर, मथुरा, झांसी, अंबेडकर नगर, बलिया और गाजीपुर से जन विश्वास यात्राएं शुरू होंगी। आइए बीजेपी के पूरे यात्रा कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। यात्रा के लिए यूपी को 6 हिस्सों में बांटा गया है, पश्चिम, ब्रज, बुंदेलखंड, अवध, काशी और गोरखपुर। बीजेपी प्रदेश में 6 जन विश्वास यात्राओं से जन संवाद करेगी। वहीं ये यात्रा प्रदेश के सभी जनपदों से होते हुए गुजरेगी। इसमें सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को लिया गया है। गाजीपुर को छोड़कर बाकी जगह से 19 दिसंबर को यात्राएं शुरू होंगी। गाजीपुर से 20 दिसंबर को यात्रा शुरू होकर आगे बढ़ेगी। खास बात है कि सभी यात्राएं राजधानी लखनऊ में खत्म होंगी। वहीं यात्रा के समापन पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 6 जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है, जो 5 यात्राएं 19 तारीख से निकलेंगी और एक यात्रा 20 तारीख से निकलेगी। ये यात्राएं पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगी, जनता से जनसंवाद करेंगी। 403 विधानसभा में इनका भ्रमण होगा और इसमें जनता के जो योजनाएं हमने 5 साल में की हैं केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, उनके बारे में जनता को अवगत कराएंगे और जनसंवाद के द्वारा उस यात्राओं के माध्यम से हम फीडबैक भी जानेंगे कि क्या यात्राओं जो हमने जो योजनाएं की हैं उनका क्या फीडबैक आ रहा है। तो इस तरह की योजना के तहत ये 6 यात्राएं 403 विधानसभा में जाने वाली हैं 19 तारीख से। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2016 में बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकालकर चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। उस समय बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में झांसी से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा सहारनपुर, सोनभद्र और बलिया से भी परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। इनमें बीजेपी ने तत्कालीन सपा सरकार के खिलाफ भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा देकर परिवर्तन की शुरुआत की थी। बहरहाल बीजेपी को 19 दिसंबर से शुरू हो रही जन विश्वास यात्रा से कितना सियासी लाभ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। लखनऊ में भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय सेना ने राजभर समाज के 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि राजभर समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। राजभर समाज के किले, खंडहर, मंदिरों के निर्माण की मांग करते हुए कहा कि मंत्री बनने के बाद राजभर समाज की मांगों को ओम प्रकाश राजभर भूल गए। उन्होंने कहा कि राजा सुहेलदेव के नाम से पार्टी बनाकर ओम प्रकाश राजभर दौलत का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। 15 दिसंबर को अंबेडकर नगर के सुरूरपुर में भारत शिव सेना विशाल जनसभा भी कर रही है। एटा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा कि जब सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होता है। ये जनसभा नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन है। ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की है। बीजेपी ने जो भी वायदा किया है उन वादों को पूरा किया है। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। वहीं मीडिया के साथियों के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यह मेरे सामने जो जन सैलाब में देख रहा हूं यह जनसभा नहीं है, यह कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये 28,222 बूथ के अध्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं। ये केसरिया ही केसरिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जब सम्मेलन करती है तो वो जनसभा बन जाती है, वो महारानी बन जाती है। ये मैं आपको बताना कैराना के किसान महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत का किसानों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि ना तो सरकार हारी है न हम जीते हैं, केवल समझौते के आधार पर आंदोलन को स्थगित किया गया है। उन्होंने जमकर सरकार पर तंज कसा और कहा उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी है और हरियाणा में सस्ती है। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि 13 महीने तक चला किसान आंदोलन किसानों का प्रशिक्षण था, ये भविष्य में काम आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 2 महीने हैं अपना काम करने के लिए, किसानों की समस्या पर काम करें, उनके भले के लिए कुछ करें। जिसने जिनका बहुत ही बढ़िया एक सहायक था, आंदोलन खत्म हो गया, उन अधिकारियों से भी बातचीत होगी, जो पीढ़ी है, जो डीएम है, उनसे बातचीत होगी। बहुत से सवाल आए हैं, वो जब बातचीत होगी तो उनसे बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीज जब होगी जब आप इकट्ठे रहोगे। आंदोलन खत्म हो गया, उन अधिकारियों से भी बातचीत होगी, जो पीढ़ी है, जो डीएम है, उनसे बातचीत होगी। बहुत से सवाल आए हैं, वो जब बातचीत होगी तो उनसे बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीज जब होगी जब आप इकट्ठे रहोगे। आगरा में वैश्य महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता का वैश्य समाज ने भव्य स्वागत किया। वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज के लोगों को नहीं दिया टिकट तो वोट भी नहीं दिया जाएगा। प्रदेश की 106 सीटों पर वैश्य समाज ने दावेदारी करते हुए कहा है कि आगरा की 4 सीटों पर वैश्य समाज अपना दावा ठोंकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।